पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएमएस रोहतक में विश्व की बेहतरीन सुविधाओं से युक्त 67 बेड के बच्चों के आईसीयू का आज मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने वर्चुअल उद्घाटन कर पीजीआई को सौंप दिया है। लगभग 6 करोड़ की लागत से बने इस आईसीयू में विश्व की बेहतरीन मशीनों से बच्चों का इलाज किया जाएगा। आईसीयू के इंचार्ज सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर कुंदन मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया है कि पहले पीजीआई में केवल 8 बेड का आईसीयू था, जबकि अब 67 बेड का आईसीयू उनके पास हो गया है। इस आईसीयू में विश्व की बेहतरीन सुविधा है, जिसमें ECMO, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, डायलिसिस की जा सकती है। 35 वेंटिलेटर से युक्त बच्चों के लिए आईसीयू हर बेड पर मॉनिटर लगाए गए हैं। इसमें कोरोना, डेंगू, सांस, दौरे से पीड़ित 1 साल से 14 साल के बच्चों को दाखिल किया जा सकता है। डॉक्टर मित्तल ने बताया कि रोहतक पीजीआई में रोजाना 300 बीमार बच्चों की ओपीडी होती है और इंदौर में 120 बेड है, जो 100% भरे रहते हैं। इसमें हरियाणा और दूसरे राज्यों से बीमार बच्चों का इलाज हो रहा है। आज मुख्यमंत्री हरियाणा ने वर्चुअल उद्घाटन से पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएसएम रोहतक का बड़ा आईसीयू सौंप दिया है। यह आईसीयू हरियाणा सरकार और पीजीआई प्रशासन के सहयोग से तैयार किया गया है। आईसीयू में बच्चों की तरह का ही माहौल उपलब्ध करवाया गया है। बीमार बच्चों को यदि समय रहते आईसीयू में दाखिल करवा दिया जाता है तो बच्चे काफी हद तक उनकी जान बचाई जा सकती है। डेवलप किया गया, इसमें काफी हमें सहयोग मिला। जितने बच्चे हुए हम बचा पाए, काफी बच्चों को जितनी हम कर सकते हैं उतनी कर सकते हैं। बीमारी के पहलू अलग अलग होते हैं, कई बार बीमारी कंट्रोल से बाहर होती है, लेट पेशेंट आता है, नहीं बच पाता है, लेकिन हमने काफ़ी कर रहे हैं और अभी भी हमारे पास अब एक्सटेंशन होगी सर्विसेज की तो काफ़ी मदद मिलेगी इससे। अच्छा, आप किस तरह के रोग के बच्चे? अभी तो डेंगू, उसके डेंगू बीच में आया था, काफ़ी मेनिनजाइटिस आते हैं, दौरे से आते हैं, सांस की तकलीफ से आते हैं, रीनल फेलियर से आते हैं, सब तरह के बच्चे आते हैं, हम सबको लेते हैं। अच्छा, टोटल कितनी कॉस्ट आई है? अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ रुपये का खर्चा इस पर किया गया अभी। तो इसने टोटल हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से है? काफ़ी तो गवर्नमेंट की तरफ से ही है, थोड़ा बहुत युवराज फाउंडेशन ने दिया है कुछ मॉनिटर वगैरह, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से ही सारा। लेटेस्ट मशीनें इसमें हमें बताएं, डायलिसिस के लिए ECMO आ गई है अभी हमारे पास, किडनी डायलिसिस के लिए मशीन आ गई हैं और एंडोस्कोपी वगैरह है हमारे।